हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा ट्वेंटी फोर जहाँ पे मिल चुके हैं हम लोग जे जून 2024 एएफएम एग्जाम के लिए अब आप लोगों को भी पता है कई बार मैंने भी बता दिया है बट आपको इस बार फिर से बता देती हूँ कि अब आपका जो एएफएम है वो थ्योरी तो है बट तो तो न्यूमेरिकल भी भर भर के है ठीक है तो आज का सेशन अब जो नेक्स्ट सेवन डेज ही से बहुत स्पेशल होने वाला है याद रखिएगा सो बिफोर स्टार्टिंग आप लोग इसको लाइक कर लीजिए और जितने भी आपके कलीग्स हैं जो देने वाले हैं जे आई बी का एग्जाम उनके साथ शेयर कर लीजिए ताकि सबका भला तो आपका भला अपने आप ही होने वाला है ठीक है तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेवन डेज स्पेशल क्लासेस जो की फर्स्ट टॉपिक है अपना सी ए पी एम ठीक है चलिए तो आखिर ये सी ए पी एम क्या होता है और एक और बात बता देती हूँ क्लास शुरू करने के पहले कि ये है ना ये जो यंत्र दिख रहा है ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको अपना ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट बनाना है और इसके बाद बस सी आई भी देने जाना है तो याद रखिएगा में ये यंत्र बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स तो टू आवर्स के हैं जहाँ पे वन ट्वेंटी अप्रॉक्स क्वेश्चन आने वाले हैं तो जल्दी से सॉल्व करना है और यहाँ पे वेरियस टाइप के आपके फॉर्मूलेस आते हैं ठीक है फॉर्मुलेस तो आप रख लेंगे दिमाग में बट कैलकुलेट कैसे करेंगे तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए जब भी आप करते हैं ना सोल्यूशन और जैसे न्यूमरिकल्स तो याद रखिए कैलकुलेटर को कैसे चलाना है अगर आप ये सोच रहे हैं ना एग्जाम हॉल पे जाके कैलकुलेटर चला लेंगे तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप देखिए कभी भी कैसे नया फोन लेके आते हैं ठीक है अगर आप नया फोन लेके आते हैं तो क्या पहले दिन ही आपको पता है कि किस फीचर में कहाँ जाना है नहीं है ना हर चीज़ में आपको टाइम लगता है टाइम लगता है टाइम लगता है ढूंढने में बट वही जब आप उसको एक दो महीना यूज़ कर लेते हैं तो आप आग बंद करके भी देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है कौन सा के बाद कौन सा ऐप है करेक्ट तो वैसे ही अब क्या होता है वो बैक एंड माइंड में हमारे ना स्टोर हो जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसे है ऐसा, ऐसा ऐसा करना है तो वैसे ही जब आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे अपने लाइफ में जब भी आप सॉल्व करेंगे ना तो एक इसकी हैबिट बनाएंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी वरना एग्जाम में ढूंढते रहेंगे अरे प्लस कहा गया प्लस प्लस गया प्लस ही नहीं दिखेगा आपको दो तीन मिनट तो और यहां पे तो टू आर सी है एक एक सेकेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करेक्ट चलिए तो इसलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक वापस टॉपिक पे आते हैं दोबारा एक मिनट दीजिए मुझे ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है सी ए पी एम कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल, ठीक है सी ए पी एम अब इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि जो कंपनीज़ है ठीक है एक कंपनी है और एक उस पर करने वाले इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखना चाहते हैं कि जो अगर हम बिना रिस्क के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर हम बिना रिस्क के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे मान लीजिए आपको मिलता है छह परसेंट बट हम यहाँ पे कंपनी पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और इतना रिस्क है तो हम क्या चाहेंगे हमको 6 से ही मिले। जैसे अभी आपको एफ पे मिल रहा है मान लीजिए सिक्स ठीक है कोई रिस्क है क्या कोई रिस्क नहीं है कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है, है ना हर टाइम हमें हर एक प्रॉपर इंटरव्यूल पे अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर हमको मिलते जाएगा छ परसेंट बट अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए कि हम जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ले लेते हैं ठीक है ये कंपनी लिस्टेड हो रही है और हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये तो कभी भी डूब सकती है ठीक है गवर्नमेंट फंडेड तो नहीं है ये कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है यहां तो बहुत ज्यादा रिस्क है अच्छी चल रही है इसलिए हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है बट यहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है तो उस डर से हम क्या चाहेंगे कि ओए कंपनी सुनो अभी तुम पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दो तो एटलीस्ट जो छह परसेंट है इससे ज्यादा हमको रिस्क हमें इस पर रिटर्न चाहिए क्योंकि तो हम आपके रिस्क पे भी भागीदार बनने के लिए तैयार है अगर हम प्रॉफिट पे तैयार हैं तो आप अगर आपको रिस्क होता है तो भी हम तैयार हैं तो ऐसा कौन सा रिटर्न होगा ऐसा कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा उसके लिए डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स ठीक है अब यहां पे फाइंड आउट करना है कि कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उस पर क्या होगा तीन चीजें हमको इम्पोर्टेंट है आइए पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब कंपनी हम तुम पे इन्वेस्ट नहीं भी करते ना और रिस्क फ्री ऑप्शन ढूंढते जैसे एफ गवर्नमेंट में कुछ आ गया तो वहां पे हमें कोई रिस्क नहीं होता गवर्नमेंट कभी भी डूबने नहीं देगी थी। ठीक है तो वहां पर मान लीजिए हमने लिया था ना एग्जाम्पल सॉरी ये सिक्स परसेंट तो रिस्क फ्री रिटर्न हमारा कितना है परसेंट वही एक बीटा होता है ऑफ अ कंपनी शेयर प्राइस अब बीटा क्या होता है बीटा एक आप लोग को बताता है एक दूसरे का कॉम्बिनेशन ठीक है कि अगर मार्केट ये आपका मार्केट है इस मार्केट से ये जो कंपनी है ये कैसे इफेक्ट होगी ठीक है कंपनी है कंपनी एक मार्केट में है जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ठीक है बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो यहां पे हमको बीटा से यह पता चलता है कि मार्केट से के साथ इस का क्या रिलेशन है ठीक है बीटा एक ऐसा नंबर बताएगा आपको कि अगर मार्केट गिरता है तो कंपनी कितनी तेजी से गिरेगी तो वो बीटा का एक अमाउंट होगा अगर मार्केट उठता है तो कितनी तेजी से यह कंपनी उठेगी वो होता है हमारा बीटा ठीक है अगर बोला बीटा टू है तो अगर मार्केट एक से ऊपर उठता है तो मार्क जो अपनी कंपनी है वो डबल उठेगी सेम वर्सा अगर मार्केट एक से गिरता है तो हमारी कंपनी डबल होकर आप लोग ये जो बीटा है ये आपको कंपनी का बताएगा कि वो मार्केट से कितने कैसे रिलेटेड है करेक्ट चलिए उसके बाद हमें थर्ड चीज क्या चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी शेयर इन द कैपिटल मार्केट ठीक है क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारे उस पोर्टफोलियो में जो हम इस कंपनी पे जाने वाले ठीक है उसके कैपिटल मार्केट में आइए। अब देखते हैं फॉर्मूला जो हमें एग्जाम में यूज करना है सी एम इक्वल टू होगा रिस्क फ्री रिटर्न जैसे कि एफ डी वगैरह का ठीक है उसमें करेंगे प्लस प्लस बीटा बीटा मतलब हमारा जो मार्केट के साथ रिलेशन है ठीक है ब्रैकेट में होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न मतलब मार्केट में जो पोर्टफोलियो है उससे हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न के लिए उससे हम क्या करेंगे इनटू बीटा देखिए ये फार्मूला है अभी तो हमने उसके एक-एक वर्ड्स -एक को जाना यहां पे आपका जो आपको रिक्वायर्ड रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इन टू आरएमी मार्केट का पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इन टू आपका बीटा, ठीक है हम मार्केट को बोला था ना कि मार्केट के हिसाब से हम टर्न लेंगे तो यहाँ पे ये मार्केट को कहा गया है आर एम ठीक है इस आर एम में हमको पता है कि मान लीजिए आरएम आपका मार्केट टेन परसेंट देता है तो टेन परसेंट पे तो छह परसेंट तो हमको वैसे भी मिल जाते है बिना कोई रिस्क के तो हम रिस्क कितना लेते हैं हम केवल चार परसेंट के लिए ले लेते हैं ये तो मार्केट की बात हुई अब हमको एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं तो उससे क्या करेंगे इनटू बीटा ठीक है तो ये होता है आर एम माइनस रिस्क फ्री कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं भाई आप पे इन्वेस्ट करके ठीक है उससे बीटा मार्केट के हिसाब से हमारी कंपनी कितना फ्लक्चुएट होती है प्लस रिस्क फ्री इक्वल टू होगा आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चलिए जहाँ पे आर ए मतलब क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी आर एफ है मतलब की रिस्क फ्री रेट आर एम है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट बी ए है बीटा ऑफ सिक्योरिटी और ये आर एम माइनस आर एफ जो होता है ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है इक्विटी मार्केट प्रीमियम ठीक है इक्विटी मार्केट प्रीमियम चलिए तो यहां तक तो हमने समझ लिया यहां तक तो 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 समझ लिया सीएपीएम क्या होता है ठीक है इसमें कितने टाइप के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते फॉर्मूला और, और इस फॉर्मूले का क्या क्या एक एक वर्ड का मीनिंग है वो देख लिया और एग्जाम में आपको कैसे यूज करना है वो आपने समझ लिया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है करेक्ट एक बार आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से फिर करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व चलिए तो आपने ये देख लिया होगा अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है आइए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक्सपेक्टेड रिटर्नोलियो सिक्सटीन परसेंट वॉट विल बी द रिक्वाड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी कैपिटल आपको क्या दिया हुआ है आपको निकालना क्या है रिक्वायर्ड रेट मतलब आपको आर ए निकालना है ठीक है यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिस्क फ्री आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ करेक्ट यही होता है ये होता है फॉर्मूला चलिए जल्दी से पहले लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या गिवन है इसको थोड़ा हम लोग ना अच्छे से एक एक स्टेप करके देखते हैं फिर इसके बाद के जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें कम 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 स्टेप्स करके देखेंगे कितने जल्दी से हम फॉर्मूला निकाल के, आंसर निकाल के लाते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए रिस्क फ्री चाहिए बीटा चाहिए रिस्क फ्री तो मिल गया हमें पहले ही और चाहिए रिटर्न ऑन मार्केट ठीक है हमें सबसे पहले दिया हुआ है आर एफ दिया हुआ है क्या यस ट्वेल्व परसेंट पर एन फिर क्या दिया हुआ है हमें भी दिया हुआ है सेकेंड आर एफ मार्केट में कितना रिटर्न है दैट इज सिक्सटीन परसेंट और बस अब एक और चीज क्या चाहिए हमें चाहिए बीटा कि हमारा कंपनी मार्केट से कैसे फ्लक्चुएट होता है ठीक है चलिए बस अब आपका काम क्या है आपका काम क्या है आपका काम है इस पे करना यहां पे आपको दिया है ट्वेल्व परसेंट प्लस बीटा दिया हुआ है कितना ये आपका ट्वेल्व परसेंट है बीटा दिया हुआ है आप लोगों को वन पॉइंट फाइव जीरो आपको ब्रैकेट में है सिक्सटीन परसेंट माइनस ट्वेल्व परसेंट करेक्ट चलिए कॉल करके बताइए कॉल करके बताइए जल्दी से कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे <coughs> बताइए कितना आंसर आ रहा है सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया होगा करेक्ट इसको सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करके इससे इंटू कर दिया होगा बिकॉज यहाँ तो इंटू है ठीक है उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको इसमें ऐड किया होगा ट्वेल्व परसेंट पे कितना आ रहा है 18 ऐसे हमें सॉल्व करना है चले चलिए इजी इजी पीजी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आप लोग पढ़िए जल्दी से सॉल्व करिए एग्जाम में बिकॉज ऐसे आपको ऑप्शन दिखने वाले हैं चलिए सॉल्व करके बताइए एक बार खुद से इस बार मैं कुछ भी नहीं लिख के दे रही हूँ आप लोगों को ठीक है बस क्वेश्चंस पढ़ दे रही हूँ क्या लिखा हुआ है कि सपोज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4% द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 10% बीटा ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक इज 1.5 व्हाट वुड बी दी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू द CAPM चलिए सॉल्व करिए आप लोग सॉल्व करिए बताइए कितना आ रहा है चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आप लोग ने कर लिया होगा नहीं क्या होगा तो आप लोग करते रहिए मैं सॉल्व करके बताती हूँ आप लोगों को ध्यान दीजिए हमको क्या चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ठीक है यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए रहता है फॉर्मूले में आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ करेक्ट हमको क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है आर एफ दिया हुआ है क्या यस दैट इज फोर परसेंट और क्या क्या दिया हुआ है हमें मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया हुआ है क्या मतलब आर एम भी दिया हुआ है कितना है वो टेन परसेंट करेक्ट और हमें एक और क्या चीज चाहिए रहता है दैट इज बीटा बीटा कितना है वन 0.5 करेक्ट चलिए बस अब क्या नेक्स्ट स्टेप उठा के फिल करना है आरएफ कितना है हम लोगों का 4% प्लस बीटा कितना हुआ है दिया हुआ है 1.5 उसके बाद हमको आरएम दिया हुआ है 10% माइनस 4% चलिए फर्स्ट आंसर बताइए कितना आएगा अभी भी नहीं किया तो अब तो समझ गए आप लोग कैसे करना है चलिए सॉल्व करिए ब्रैकेट को इनटू करिए 0.15 से फोर परसेंट में ऐड करिए आपका आंसर आएगा थर्टीन परसेंट विच ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि कैसे सॉल्व करें थर्टीन कैसे आ ना तो एक बार बता देती हूँ या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो परसेंट है ना तो परसेंट पे ओपन करके लिख लीजिए ठीक है ये ऐसे सॉल्व हो रहा है ठीक है याद रखिए ये परसेंट पे है ये चीजें परसेंट पे है बट ये परसेंट पे नहीं है ठीक से, से है याद रखिएगा फोर परसेंट हमारा जो ये रिटर्न है ये परसेंट पे है तो इसलिए अगर फोर को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जीरो फोर टेन को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो फोर चलिए ऑल गुड

हमारा जो शेयर है हमारा जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट मूवमेंट में हायर वॉलिटी सेंसिटिविटी रख रहा है ठीक है ज्यादा बीटा मतलब क्या अगर ये वन है, ठीक है तो अगर मार्केट वन के हिसाब से मूव करता है तो हमारा जो शेयर है हमारा जो कंपनी का शेयर है वो भी वन के हिसाब से मूव करेगा ठीक है वही अगर आपका बीटा फोर है तो मार्केट अगर वन के हिसाब से मूव करता है तो आपका कंपनी का शेयर कैसे मूव करेगा ये फोर टाइम्स मूव करेगा ये आंसर है इसका समझ आ रहा है तो यहां पे मार्केट मूवमेंट पे हम क्या हुए ज्यादा सेंसिटिव हुए। ठीक है चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे जल्दी से अब आप सॉल्व करके बताइए अब तो आपको आ, आ गया है समझ भी आ गया है अब आपका टर्न है सॉल्व करके बताइए पढ़ेंगे भी आप ही मैं बताऊंगी चलिए क्वेश्चन तो पढ़ना शुरू करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ही यू आर एनालाइजिंग द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टॉक मार्केट ओके यू गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द रिस्क फ्री रेट इज इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी चलिए गिवन लिख देती हूँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज वॉट मार्केट से हमें कितना उम्मीद है टेन परसेंट एंड द बीटा मतलब हमारी कंपनी का बीटा कितना है वन पॉइंट फाइव करेक्ट ओके आई थिंक सेम हो गया क्या क्वेश्चन ओके 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 सेम हो गया आप लोग ये काम करिए जो रिस्क फ्री है इसे सिक्स कर लीजिए ठीक है रिस्क फ्री है इसे सिक्स कर लीजिए और अब आप कैलकुलेट करिए जो रिस्क फ्री है ये आपका सिक्स हो गया ठीक है चलिए अब सॉल्व करके बताइए अब सॉल्व करके बताइए क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव पॉइंट वन जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स करेक्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा आप लोगों का पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट जीरो सिक्स इन टू वन पॉइंट फाइव प्लस कितना आ रहा है बताइए इतना ही आ रहा है आप लोगों का कौन सा आंसर आंसर सी ठीक okay. ऐसे आप लोगों को आना चाहिए एग्जाम्स में और अगर आप लोगों को लगता है कि ये हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ऐसे वर्ड्स आगे सी ए पी एम ऐसे को तो दिख के ही घबराहट हो जाती है आता हुआ क्वेश्चन भी निकल जाएगा ठीक है अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसमें आप लोगों को मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आपको बस जाना है अड्डा टू फोर सेवन ऑल कोर्सेज में जे में जाना है जे आई बी में ट्वेंटी ट्वेंटी पे आपके पास एक न्यूमेरिकल बैच आ रही है जो कि स्टार्ट हो रही है फिफ्टीन से ही बस आपको जो अभी दिख रहा है थाउजेंड का आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा कोड ताकि आपको मिल जाए एक्स्ट्रा डिस्काउंट Y895 एंटर करेंगे आपका हो जाएगा डिस्काउंट 79 परसेंट का ठीक है सेवेंटी नाइन परसेंट का अभी भी आप जा सकते हैं इसमें इनरोल कर लीजिए एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही अगर आपको सी ए पी एम ही नहीं पता तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप करेक्ट तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि किस वर्ड में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये सब बहुत ज़रूरी है ऑल द वेरी बेस्ट अभी भी आपके पास टाइम है बिकॉज अप्रैल चल रहा है बट टाइम एंड नहीं हुआ है जल्दी से जाइए इनरोल कर लीजिए ताकि आपका ये अटैम्प्ट आखिरी अटैम्प बन जाए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग